हाँ भाई अशोक, क्या हाल चाल है? ओहो दिनेश भाई, दिनेश भाई, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए। अरे आपके गांव का तो नजारा ही बदला हुआ है। सुंदर सड़कें, साफ सफाइयाँ, खुशहाली, वाह वाह क्या बात है। अरे आपने तो अभी बाहर से देखा है, अंदर आइए मैं दिखाता हूँ हमारे गांव में क्या क्या काम हुआ है। तो देखिए पूरे गांव में जितना भी विकास का ये काम आपको दिख रहा है, ये हुआ है हमारे गांव के लाडले पूर्व सरपंच श्री जितेंद्र पाटीदार के प्रयासों से। देखिए इंदौर जिले का सबसे अत्याधुनिक मॉडल गांव है हमारा, अत्याधुनिक नवीन पंचायत भवन, सीसीटीवी कैमरों से लैस, ई रूम, एलसीडी आदि सारी व्यवस्थाएं यहां पर हैं। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नवीन कुएं का निर्माण, सम्प वाटर टैंक, जल वितरण हेतु हर घर में पाइपलाइन की सुविधा है, शुद्ध जल के लिए निशुल्क आरओ प्लांट लगा है, पूरे गांव में पक्की सड़कें, दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं, नालियां, स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप पर सुलभ शौचालय का निर्माण, आंबा चंदन से हरसोला तक सड़क निर्माण भी पूरा हो चुका है। गांव को स्वच्छ बनाने के लिए हर घर से वाहन द्वारा कचरा संग्रहण किया जाता है। गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण, बच्चों के लिए आंगनवाड़ियों का निर्माण, नर्मदा घाट का निर्माण, हाई स्कूल के भवन में नए कमरों का निर्माण, मुक्ति धाम का सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण भी संपूर्ण हो चुका है। किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिमरोल आंबा चंदन ड्रिप इरिगेशन, जिसकी अनुमानित लागत 59,37,00,000 रुपए है, स्वीकृत कराई जा चुकी है। तो याद है ना, ये जितने भी काम आपने देखे हैं ये किसने किए हैं? जी हाँ, हम सभी के लाडले पूर्व सरपंच श्री जितेंद्र पाटीदार जी के द्वारा। अब हमारी आने वाली आगामी योजनाओं के बारे में भी सुन लो भाई। भव्य नगर द्वार का निर्माण, गांव के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, अत्याधुनिक चिकित्सालय का निर्माण होगा, तालाब का सौंदर्यकरण होगा, मांगलिक भवन का निर्माण होगा। दो हजार चौबीस तक हर किसान के खेत में सिंचाई के लिए मां नर्मदा का जल पहुंचेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा। वर्तमान हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी तक लेकर जाना है, ताकि हमारे गांव के बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से बाहर न जाना पड़े। और ये जो आगामी योजनाएं हैं, इन्हें पूरा करने के लिए संकल्पित हैं श्रीमती उमा जितेंद्र पाटीदार, जो इस बार चुनाव में आपके सामने हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर हमें इस गांव में विकास की गंगा बहाना है तो जिताना होगा श्रीमती उमा जितेंद्र पाटीदार को, जिनका चुनाव चिन्ह है कांच का ग्लास। विकास की गंगा बहाना है और कांच के ग्लास पे मोहर लगाकर श्रीमती उमा जितेंद्र पाटीदार को भारी बहुमतों से विजयी बनाना है।